नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अग्निवेश टिकू है। मैं अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में स्पाइन सर्जन हूँ, या जिसे आप रीढ़ की हड्डी का स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन की स्थिति में हम अपनी कमर का, अपने पोस्चर का ध्यान कैसे रखें। लॉकडाउन की स्थिति में तीन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक, अपनी मेंटल हेल्थ या मानसिक हेल्थ के लिए, एक अपनी डाइट के लिए, और तीसरा फिजिकल एक्टिविटी के लिए। इस समय पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, हमें अपना रूटीन फॉलो करना है, हमें इस साइकिल में नहीं पड़ना है कि हम सो रहे हैं और खा रहे हैं और उठ रहे हैं और सो रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा जो रिदम है वो ख़राब हो जाएगा और हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और इससे अपने मानसिक स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अपना ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर्स पे या स्क्रीन्स पे या इस पे अवॉइड कीजिए। फिजिकली एक्टिव रहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट पे चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत कम है और कैलोरीज जो हम खा रहे हैं, जो हम इस समय भोजन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उससे वज़न बढ़ गया तो ना केवल उससे हार्ट की बीमारी और बहुत सारी अलग तकलीफें हो सकती हैं, उससे आपकी कमर पे भी बुरा असर पड़ेगा और लंबे समय के लिए दर्द का सामना करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज के, जिसका है फिजिकल एक्टिविटी। मतलब हम अपना पोस्चर, अपना ध्यान कैसे रखें जो हमारे को कमर दर्द होने से या अलग चीज़ों से बचाएगा। उसके लिए तीन चीज़ें जो आज की स्थिति में हर घर में लोगों को करनी पड़ रही है, वो है घर की सफाई, दूसरा वर्क फ्रॉम होम या घर से काम, और तीसरा सामान लेने जाना और ग्रॉसरीज का करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीनिंग के लिए। जो आप घर में क्लीनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी लोगों को कमर दर्द का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्टिविटी लेवल सडनली चेंज हो गया है और हमारी बॉडी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो इसके लिए हमें रेगुलर बेसिक एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने ही घर में लिविंग रूम या ड्राइंग रूम के फर्नीचर को समेट के सेंटर में करके उसके इर्द गिर्द एक वॉकिंग ट्रैक जैसा बना सकते हैं, जिसमें हम डेली वॉकिंग कर सकते हैं घर के अंदर ही। हमें बेसिक फ्लोर एक्सरसाइजेस या बेसिक रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपना सभी काम एक ही समय पे मत डालिए कि सुबह 5 घंटे में करके ख़त्म कीजिए, उसे दिन के विभिन्न विभिन्न भागों में विभाजित कीजिए। सुबह 1-1.5 घंटा, दोपहर में 1-1.5 घंटा, और शाम में 1-1.5 घंटे में डिवाइड कीजिए, विभाजित कीजिए उसे। अगर आप सफाई कर रहे हैं आज की डेट में, तो स्टैंडिंग मॉप्स, जो खड़े होके हम लोग पोछा लगा सकते हैं, वो हमारी कमर और पोस्चर के लिए बहुत बेटर रहते हैं, और उनको इस तरीके से करना है कि आप सीधा खड़े रहिए और मॉप को दूर से अपनी तरफ पास लेकर आइए, और उससे स्क्वायर वाइज आप स्वीप करते करते, सफाई करते करते पीछे पीछे आके उससे क्लीनिंग कर सकते हैं। झुककर कुछ भी सामान मत उठाइए, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। अगर झुकना ही है तो आप घुटनों से झुकिए, सामान को पकड़िए, शरीर के साथ या छाती के साथ लगाइए, और फिर सीधा कमर रख के खड़े हो जाइए। कमर से झुक के उठाने में आपकी कमर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ही बड़ा भारी थैला लेकर मत जाइए, 2 थैले लीजिए और उसमें इक्वल यानी एक जैसे वजन का सामान डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके दोनों हाथों में एक जैसा सामान होगा तो आपकी कमर पे जोर कम पड़ता है, आपकी कमर के लिए वो बहुत बेटर रहेगा। और आखिरी बात, सबसे ज़रूरी, जो वर्क फ्रॉम होम लोग कर रहे हैं या घर से काम कर रहे हैं, काफ़ी समय हमें सुनने में मिलता है कि जो भी काम कर रहे थे वो लैपटॉप लेके ज़मीन पे बैठे हुए थे या बेड पे सोके कर रहे थे। इस तरीके से गलत पोस्चर से काम करने में ना केवल आपकी कमर पे, गर्दन पे, पीठ पे बुरा असर पड़ता है, बट आपका पोस्चर ख़राब होता है और लंबे समय के लिए वो और भी तकलीफ़ों का कारण बन सकता है। अगर काम करना है तो प्रॉपर कुर्सी और टेबल पे करिए,
अगर कुर्सी आपके लिए सही नहीं है या आपके पोस्चर के हिसाब से सही नहीं है तो आप पिलो का यूज़ कर सकते हैं, पीठ के नीचे या अपने हिप्स के या टांगों के नीचे पिलो रख सकते हैं। एक ही समय पर ज़्यादा देर बैठकर काम मत कीजिए, 30 मिनट या 45 मिनट के बाद थोड़ा उठ के आप एक राउंड लगा सकते हैं, थोड़ा घर के अंदर एक घूम सकते हैं और आकर फिर वापस आकर बैठ जाइए। और बीच बीच में जब भी आपको समय मिले काम में 15 से 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद थोड़ा बैठ के अपनी कमर इस तरीके से सीधा कीजिए, एक लंबा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। इस तरीके से थोड़ा बैक की स्ट्रेचिंग और अलाइनमेंट करके या फिर आप अपने घुटनों की भी इस तरीके से हल्की स्ट्रेचिंग करके अपने कमर पे आने वाले स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में सेफ रहिए, सावधान रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।